वेलकम एवरीवन, दिस इज लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। देसी टीवी यूएसए पे मेरा शो आता है जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल बाय लैबा अब्बासी, और ये वो शो है जिसका जो है हर एपिसोड हर रोज ऑन एयर होता है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा शो ज़रूर देखा करें, मेरा शो लाजमी देखा करें। और आप लोगों को नोटिफिकेशंस कैसे मिलेंगे, अब ये बड़ी ज़रूरी सी बात है कि नोटिफिकेशंस कैसे मिलेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी रोज़ नई वीडियो आती है। तो भाई उसके लिए क्या करेंगे आप, देसी टीवी यूएसए को जो है आपने सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दिया है कर देना है ताकि आपको साथ ही साथ आपने बेल आइकॉन प्रेस कर देना है ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली ये जो शो है इसमें हम बात क्या करते हैं। इस शो में मैं सिर्फ नए आने वाले लोगों के लिए बता रही हूँ, जो पुराने वो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। अच्छा, जो ये वीडियो है इसमें बेसिकली होता है ये, इस एपिसोड में होता है ये, इस शो में ये होता है कि जितनी भी दुनिया में क्रिकेट हो रही होती है उसको मैं आप लोगों को समराइज़ करके पेश कर देती हूँ। तो होता ही है बाज़ औक़ात के हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के एक एक जो है ना, इतना ज़्यादा हमारा जो है बिजी स्केड्यूल हो जाता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है वो अपने दिन का हर पोर्शन में एक टाइम निकालें और फलाना लीग भी देखें, फलाना टूर्नामेंट भी देखें, ये भी करें, वो भी करें, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। तो ऐसे में हमें एक शो ऐसा चाहिए होता है, एक एपिसोड ऐसा चाहिए होता है जब हमें पूरी दुनिया में जितनी भी क्रिकेट हो रही है ना उसको समराइज करके हमारे सामने पेश कर दे। तो वही मैं आप लोगों के लिए जो है वो कर रही हूँ, और अब इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो उसके लिए ज़रूरी तो ये है ना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना ताकि आप और मैं एक दूसरे से जुड़े रहें। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग PSL के बारे में। PSL देखिए आप, स्पेशली इस सीज़न में ऐसी लीग बन चुकी है जिसमें सारे जितने भी प्लेयर्स हैं, वैसे ही हमें कोई नया टैलेंट तो देखने को ऐसा सच मिला नहीं है। इमर्जिंग प्लेयर जो है कोई भी हमें देखने को मिला, जो देखने को मिले वो बड़ी इनकंसिस्टेंट जो है वो साबित हुए। अब जो थे एक्सपीरियंस थे, जो स्टार्स थे, वो भी फ्लॉप होते हुए नजर आए। सिकंदर रजा की बात कर लें, टाइबल मिल्स की बात कर लें, राइली रूसो की बात कर लो, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको उस तरह से उस फॉर्म में नजर नहीं आए जिस तरह से आपको देखने की आदत होती है। बट रैपिंग इट अप, PSL जो है इस दफ़ा बहुत ऑफ द कलर दिखाई दिया है। ठीक है, बट यू टॉक अबाउट सॉर्ट ऑफ टेलीविजन सॉर्ट ऑफ थिंग, या चाहे आप उसमें बात कर लो इन टर्म्स ऑफ यू नो फाइंडिंग टैलेंट या बॉलिंग, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि PSL को तो बॉलिंग लीग माना जाता था कि बॉलर्स आपको मिलते हैं, लेकिन इस सीजन में जिस तरह से बॉलर्स बैटर्स के फजूल कितने रिकॉर्ड बनते हुए आपको नजर आ रहे, विच क्लियरली शो द फैक्ट के ट्रैक्स जो है वो बड़े फ्लैट बनाए जा रहे हैं, बैटिंग ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। सो ओनली टू समराइज इट अप फॉर यू, PSL का उस तरह का चार्म रहा नहीं है इस सीजन की, सिर्फ मैं बात कर रही हूँ। अब बात ये करते कि क्यों नहीं रहा, क्या ऐसा हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको आप जो है वो कवर कर सकते हो। सबसे पहले तो ये फैक्टर ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि हम क्यों इतना ऑब्सेस्ड है, मतलब क्यों हम इतना ऑब्सेस्ड है कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करने के मामले में। लाइक आप देखो, अगर आपने देखा तो मोहम्मद आमिर जो है वो कल क्वेटा के मैच के बाद जा रहे थे और उनको एक फ़ैन था, उस फैन ने मोहम्मद आमिर को बुलाया कि आओ भाई मेरे साथ तस्वीर ले लो। अब मोहम्मद आमिर अगर आपको बताऊं तो एक सेलिब्रिटी है, पाकिस्तान क्रिकेट का शाहरुख खान है वो बंदा, इतना उसने पाकिस्तान के लिए किया हुआ है एंड अभी भी वो कर रहा है। ठीक है, एक गलती हम सब इंसान है होती है यार, इंसान मिट्टी का पुतला है तो गुनाह करना तो उसकी उसमें शरीर में उसकी फितरत में है, ये तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते हो। तो फिर ये कहना कि भाई मोहम्मद आमिर को माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि उसने पाकिस्तान के मैच फिक्स किया था, फिक्सर रहिए वो, क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास इस बात की, आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो भी बता देती हूँ, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम गुनाह करते हैं और गुनाह को माफ़ करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। इसका हक अगर इंसानों के पास होता तो आज एक इंसान भी ज़िंदा ना होता, इसका हक अल्लाह के पास है। आप कौन होते हो किसी दूसरे को ये कहने वाले कि तूने एक टाइम पे मैच फिक्स किया था, तुम्हें कोई क्या कौन हो आप जो आप उसको गालियाँ दे रहे हो। बेचारी सी बात है, मोहम्मद आमिर को भी गुस्सा आ गया। एक बंदा, एक हर एक इंसान की ना बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है, जो मोहम्मद आमिर की उस दिन लबरेज हो गई, उन्होंने भी आगे से सुना दिया और उन्होंने ये कहा कि आपके वालदे ने आपको तमीज़ नहीं सिखाई। अब बेसिकली इसमें पॉइंट टू पॉन्डर ओवर इज़ के सीधा जो है
ब्लेम आपके पेरेंट्स पे जाता है कि आपके पेरेंट्स ने आपकी तबीयत अच्छी नहीं की। हालांकि वो भी जाए तो अपना सब कुछ लगा देते हैं एक बच्चे को, अपने बच्चे को छोटा सा बड़ा, छोटे से बड़ा करने में, और बच्चा बड़े होकर ये हरकतें करता है तो फिर माँ बाप का नाम खराब होता है, उनकी तबीयत पे सवाल उठाया जाता है। सो जस्ट टू फोकस ऑन वन पॉइंट इज के आप देखो कि जो आप कर रहे हो अगर कल को वो आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ हो तो आप कैसा फील करोगे। हम बहुत टॉक्सिक फैन बेस है, ठीक है, हमारी टीम ऐसे डाउनफॉल की तरफ नहीं जा रही, इसके पीछे एक रीज़न है और वो रीज़न क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि हम बहुत मेंटली ड्रेन है, हम एक सिक सोसाइटी है, सिक नेशन है, और हमें समझ नहीं आता कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। अपने वही बात हो गई कि अपने आपको तो डुबा रहे हैं, तुम तो डूब, क्या यार मुहावरा भूल गए, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी लेके डूबेगी, ये था। सो जस्ट टू टॉक अबाउट इट इज के मेंटली ड्रेन सोसाइटी होती है ना, हम वो हैं, हमारा नाम उस लिस्ट में आता है, इसलिए हम आज तक अपनी ज़िंदगी के किसी भी सेक्टर, किसी भी फील्ड में उस तरह से तरक्की नहीं कर पाए जिस तरह से हर कोई कर रहा है आजकल। हम बात करते हैं अब अगले टॉपिक के बारे में जो कि है मोहम्मद हारिस की कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर उन्होंने बात की कि यू नो, उनसे जब सवाल किया गया कि अभी तक आपने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में जो है वो आपने 7 मैचेस खेल लिया और 7 मैचेस में आपका स्कोर अगर मिला भी नहीं तब भी 150 नहीं बनता, तो उसके पीछे की क्या वजह है। हालांकि आपको मैनेजमेंट भी इतना सपोर्ट कर रही है, आपका कैप्टन भी आपको कॉन्स्टेंट सपोर्ट कर रहा है, आपकी वजह से हसीबुल्ला को बेंच किया हुआ है तब भी आपकी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो क्या ऐसा एक रीज़न है, एक वन पर्टिकुलर रीज़न बता दें कि आप उस तरह से अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर रहे। अप टू द मार्क तो छोड़ें, आप एवरेज भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो क्या इसके पीछे रीज़न है। मोहम्मद हारिस से जो है बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डिटेल्ड क्वेश्चन किया गया, तो उसमें उन्होंने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया कि जो ओपनिंग बैट्समैन होता है उसके लिए रन स्कोर करना खासा आसान होता है, वो इसलिए खासा आसान होता है क्योंकि वो आता है ओपन करने जब आता है तो उसको पता होता है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है कि मैं अपने आप को सेटल भी कर लूँ, रन भी स्कोर कर लूँ, नाम भी बना लूँ। जबकि मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन होता है जब वो आता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता और उसको इनिंग्स को बूस्ट देना होता है। जब आप बात ये करते हो ना कि एक ओपनिंग बैट्समैन के लिए स्कोर करना रन बड़ा आसान होता है और एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल, तो फिर हमारे जो लोग हैं, हमारी टॉक्सिक सोसाइटी जो है, उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि भाई ये तो बाबर आजम को टारगेट कर रहा है क्योंकि अभी तक वाहिद वो एक ऐसा प्लेयर है जो एज एन ओपनर जो है अपनी टीम को मैचेस भी जितवा रहा है और 50-50 भी स्कोर कर रहा है हर मैच में। उन्होंने बेसिकली बात ये की कि खासा डिफरेंस होता है। अब हम क्योंकि एक सिख सोसाइटी है, हमने ये अज्यूम कर लिया कि भाई ये तो बाबर आजम को टारगेट कर रहा है। हालांकि अगर आप देखो तो बहुत सारी ऐसी टीम जिनके ओपनर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वेदर यू टॉक अबाउट सऊद शकील, वेदर यू टॉक अबाउट साहिबजादा फरहान, ठीक है आप मोहम्मद रिजवान को ही ले लो, लेकिन नहीं, जिसने कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती है या जिसको थोड़ी बहुत रीच चाहिए होती है वो बाबर आजम का नाम ले लेता है क्योंकि उनको पता है इसके नाम पर तो अच्छी खासी रीच आएगी। तो इसको अगर थोड़ा सा समराइज कर ले तो ये यही बनती है कि हम जो है हमारा दिमाग में गंद है और गंद वो हमें अच्छा पॉजिटिव सोचने नहीं देता। तो बेचारे मोहम्मद हारिस के पीछे ना पड़े, उसने ऐसी कोई भी ऊट पटांग या फजूल बात नहीं की, जो सच है उसको जो है वो माने और उसको समझे और उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है जी, आपका क्या इस पर रद्दअमल है डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। मैंने आप लोगों को कोई 1000 दफ़ा कह चुकी हूँ, अभी तक मेरा कोई 11वां एपिसोड पब्लिश हो रहा है और मैं 1000 दफ़ा कह चुकी हूँ कि कमेंट्स करो, लेकिन अभी तक मुझे कोई एक कमेंट देखने को नहीं मिला, विच इज़ रियली रियली डिसअपॉइंटिंग यार। प्लीज़ कमेंट किया करो, शेयर किया करो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ कि आप क्या सोचते हो मेरे बारे में, फिर मैं भी बताऊंगी कि मैं आप लोगों के बारे में क्या सोचती हूँ। अपने फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज पे। मैं इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के लिए जितनी तालियां करूँ वो कम होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा एक चैम्पियन मेंटेलिटी के साथ आता है और जो चैम्पियन मेंटेलिटी के साथ आता है ना वो फिर हमेशा जीतता है। उनका जो कैप्टन है पैट कमिंस, वो आज तब आया जब उसकी टीम स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उस बंदे ने पहले फर्स्ट इनिंग में उसे 4 विकेट्स भी ली, 23 रन भी स्कोर किए, क्रूशियल रन थे वो, और आज उसने 32 नॉट आउट रन की इनिंग खेली वाइल चेजिंग द टारगेट ऑफ 279। ठीक है, और फिर मैं आपको बताती हूँ बेसिकली सीन क्या था। एलेक्स कैरी जो है उसको वो 98 नॉट आउट था, अगर वो एक शॉट लगाता तो वो अपने 100 पे पहुंच जाता और साथ ही साथ मैच भी खत्म हो जाता और वो लोग जीत जाते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
बल्कि उसकी जगह पैट कमिंस आया और उसने जो है एक विनिंग जो है शॉट लगाया और वो लोग मैच जीत गए, जो टेस्ट मैच था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, इन न्यूजीलैंड वो लोग वो जीत गए। अब फिर एलिस कैरी से सवाल किया गया कि आप यू मिस्ड आउट ऑन योर सेंचुरी, योर टेस्ट सेंचुरी, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दैट, मतलब आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो रही, आपको कुछ हो नहीं रहा कि आपने इतनी मेहनत से रन स्कोर किए थे, आप 80 पे जब 5 आउट हुए हुए थे और वो भी तब जब आप 279 चेस कर रहे थे तब आप अपनी टीम के लिए बैटिंग करने आए थे, तो थोड़ा बहुत आपको हो नहीं रहा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में हमसे ये सवाल नहीं किया जाता कि तुमने कितने रन स्कोर किए, हमसे ये सवाल किया जाता है कि तुमने क्या क्या टीम जीती। तो उनकी आप मेंटेलिटी चेक करो कि उनका कोई लेना देना ही नहीं है पर्सनल माइलस्टोन से, दे गिव अ शिट अबाउट व्हाट दे आर अचीविंग एज अ प्लेयर एज एन इंडिविजुअल, उनको है गर्व तो सिर्फ एक चीज़ से और वो ये है कि क्या वो उस चीज़ को अपनी टीम के लिए अचीव कर पा रहे हैं, क्या उनकी टीम जीत रही है। यही वजह है कि आज तक इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद नो बडी इज हैविंग द गट्स टू फाइट ऑस्ट्रेलिया, टू गिव अ स्ट्रॉन्ग डिफीट, अ हैवी डिफीट टू ऑस्ट्रेलिया इन एनी इवेंट। उसके पीछे की वजह यही है कि सारा जो गेम होता है ना बॉस, वो यहाँ पे होता है आपके दिमाग में सारा गेम होता है। जब आप दिमाग से ऐसे सोचते हो ना, फिर आपको चाहे फिजिकल जितना भी ताकतवर हो आपको कोई नहीं हरा सकता। इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम, जो कि ऑस्ट्रेलिया की बहुत स्ट्रॉन्ग है। पता नहीं क्या घोल के पिलाते अपने यंगस्टर्स को, क्या घोल के पिलाते अपने प्लेयर्स को, क्या उनकी मैनेजमेंट ऐसा प्रिपेयर करके आती है कि वो लोग कभी हारते ही नहीं। अगर हार भी रहे हो तो लास्ट बॉल पर भी वो लोग जीत जाएंगे। मुझे तो लगता है कि अगर लास्ट बॉल पर 24 रन चाहिए तो वो लोग वो भी स्कोर कर लेंगे, मुझे ये लगता है। आपको क्या लगता है, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। और यहाँ पे आज हमारी जो वीडियो है, हमारा एपिसोड यहाँ पे वाइंड अप होता है, क्योंकि आज ऐसा कुछ था नहीं बात करने के लिए, यही दो टॉपिक्स है जो इतनी जल्दी वाइंड अप हो गए। लेकिन आप लोगों से मैं एक ही बात कहूँगी कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। दिस इज लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।